लोधी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आपके बीएससी सेकंड ईयर बोटनी का, जो आप सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय में। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो पढ़े हैं, जहां पर हम लोगों ने जिक्र किया है आप लोगों का प्लांट के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होगा, और इसी प्रकार से रूट से लेकर पूरे प्लांट बॉडी के शीर्ष भाग तक जो वाटर है वो किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है एस्केट ऑफ से। ये सारी कुछ बातें हम लोगों ने की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जिसे हम लोग कहेंगे ट्रांसपिरेशन, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, किस प्रकार से ये आप लोगों को देखने को मिलता है, उसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन के अंदर। तो आप लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो है वाटर, इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, जल को अवशोषित करने का काम किसका है। आपने पढ़ा है कि क्या है, रूट हेयर जो होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं, और जल को अवशोषित करने के बाद में ये रूट हेयर क्या है, रूट हेयर के अंदर आप लोगों को जो सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें हम प्लांट के टिश्यू की बात करते हैं, जहां पर आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जाइलम। तो जाइलम के अंदर क्या है, जाइलम जो आपकी वेसल्स है, ट्रेकिड्स है, वो क्या करती है, जल को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है, पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि पौधा जितनी मात्रा में जल को अवशोषित कर रहा है, उसमें से करीब 95% वाटर जो होता है वो तो सारा का सारा आपका, आप लोग देखेंगे कि या तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है वायु वातावरण के अंदर, या फिर आप लोगों को एक और शब्द देखने को मिलेगा गट्टेशन, जिसको हम बोलेंगे बिंदु स्त्रवण। इस प्रोसेस के माध्यम से भी ये बाहर निकल जाता है, और केवल आप लोग देखेंगे कि कुछ भाग ही जो है, यानी कि 0.1 से 1% भाग, या हम कह दें 5% भाग जो होता है, वो पौधे के उपापचय क्रियाओं के काम आता है। शेष सारा जो जल होता है वो वातावरण में वापस आप लोगों का रिमूव हो जाता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि पौधा जितना जल अवशोषित कर रहा है, उसमें से 95% वाटर जो है वो वातावरण में वापस आ रहा है। कौन सी दो प्रोसेस के माध्यम से, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से और गटेशन के माध्यम से। और जो बच गया जो भाग जल का पौधे के अंदर, वो क्या काम कर रहा है, पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको पूरा करने का काम करता है। अब यहां पर हम लोग बातें करेंगे गटेशन क्या होगा, बिंदु स्त्रवण क्या होगा, या वाष्पोत्सर्जन है ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन, जिसको हम कह रहे हैं वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन या इसे क्या कहेंगे हम, वाष्पोत्सर्जन। किसे कहेंगे ट्रांसपिरेशन, आप लोग देखेंगे कि पौधे के जो वायवीय भाग है, उन वायवीय भागों के द्वारा जल जो होता है वो वाष्प के रूप में जो वायुमंडल के अंदर रिमूव हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। यानी कि पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन जो है वो कहलाता है। अब ये जो ट्रांसपिरेशन होता है, आप लोग देखेंगे कि ये ट्रांसपिरेशन के साथ ही आप लोगों को एक प्रकार का शब्द और देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। अब वाष्पोत्सर्जन हम किसे कहेंगे और वाष्पीकरण या इवेपोरेशन किसे कहेंगे, दोनों एक दूसरे से आपके अलग हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें आपका वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन, दोनों को कंपेरेटिवली देख लेते हैं अपन। एक तरफ तो लिया आप लोगों ने ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन, और दूसरी तरफ हम लोगों ने ले लिया इवेपोरेशन वाष्पीकरण। तो सबसे पहला आप लोग देखेंगे
कि जो ट्रांसपायरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, एक प्रकार की बायो फिजिकल प्रोसेस होती है, बायोफिजिकल प्रोसेस है। जबकि आप लोग देखेंगे कि जो इवेपोरेशन है ये क्या है, एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है। क्लियर है? आप लोग कह रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या है, बायोफिजिकल प्रोसेस है, जबकि वाष्पीकरण या इवेपोरेशन ये क्या है, एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, आप लोग देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि पौधे के वायवीय भाग के द्वारा जो जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यानी कि यहां पर क्या होता है, ये जो क्रिया होती है यह क्रिया मोस्टली किसके द्वारा होती है, मोस्टली इस्टोमेटा के द्वारा होती है। जबकि आप लोग देखेंगे कि इवेपोरेशन जो होता है ये आपका कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है, फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन जो होता है ये एक प्रकार की आपको यानी सजीवों में देखने को मिलता है, सजीवों में होता है। जबकि आप लोग देखेंगे कि इवेपोरेशन की जो क्रिया होती है वो मोस्टली निर्जीव व सजीव दोनों में मोस्टली देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आप कहें कि आपका क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा के द्वारा ये क्रिया हो रही है तो इनको क्या होता है, मोस्टली गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रियाएं होती है इनको गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता क्योंकि ये कोशिकाओं के द्वारा नहीं होती। तो इनको क्या होता है, गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन की जो घटना होती है ये कई प्रकार के कारकों के द्वारा भी कंट्रोल होती है, जिसमें आप लोग देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर जो होते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जबकि फिजिकल जो प्रोसेस होती है यहां पर किसी प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा इनको कंट्रोल नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम बात करें, आप लोग देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, मोस्टली वायवीय भाग के द्वारा जल का जो होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा है, हेयर्स है, ट्राइकोन्स होते हैं या लेंटिकल्स होते हैं, या फिर आप लोग देखेंगे कि जो पौधे की जो वायवीय जो हर्बेसियस स्टेम जो होता है उनके द्वारा भी ट्रांसपायरेशन जो होता है वो मोस्टली किया जाता है। जबकि आप लोग देखेंगे कि इवेपोरेशन जो होता है वो मोस्टली आप लोग देखेंगे कि किसी प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। दूसरी बात, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो कोशिका की जो सतह होती है वो सूखती नहीं है, जबकि इवेपोरेशन में क्या होता है कि कोशिका की जो सतह है वो पूर्णतया सूख जाती है इवेपोरेशन होने के बाद। तो ये कुछ अंतर हो गया आप लोगों का ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में आप लोगों को क्या कुछ अंतर देखने को मिलते हैं वो सारा का सारा। यहां पर आप लोगों को मेन बात ये ध्यान में रखनी है कि वाष्पोत्सर्जन जो है ये एक प्रकार की आपने कहा बायोफिजिकल प्रोसेस है। डिफाइन कैसे करेंगे, पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो है वो किस किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी हम लोग बात करेंगे।
टाइप्स ऑफ ट्रांसपाइरेशन। वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो आप लोगों को मोस्टली निम्न प्रकार का देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर हम लोग बात करें आप लोगों का एक ट्रांसपायरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे फोलियर ट्रांसपायरेशन। अब फोलियर जो ट्रांसपायरेशन होता है ये मोस्टली आप लोगों को दो प्रकार का ट्रांसपायरेशन इसमें देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और इसी में आपको इसका सेकंड जो है टाइप देखने को मिलेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। फिर इसी का नेक्स्ट टाइप आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रांसपायरेशन का नेक्स्ट टाइप जिसे हम क्या कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांस। तो ये मोस्टली आप लोगों के पास में दो प्रकार के ट्रांसपायरेशन है, फोलियर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो हम बात करते हैं एक एक सेगमेंट की। सबसे पहले ले रहे हैं अपन फोलियर ट्रांसपायरेशन। अब फोलियर ट्रांसपायरेशन किसे कहेंगे, आप लोग देखेंगे कि पत्ती के भागों के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है ऐसे ट्रांसपायरेशन को हम लोग क्या कहते हैं फोलियर ट्रांसपायरेशन। अब ये फोलियर ट्रांसपायरेशन आपने कहा कि दो रूपों में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कौन सा रूप है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का पढ़ा हुआ है कि आपके जो लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है या चाहे आपका हर्बेशियस स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस पर क्या होता है, इसकी जो बाह्य परत होती है इस परत पर क्या हो जाता है क्यूटीन का डिपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलता है। और क्यूटीन का डिपोजिशन होने के कारण से ये क्या बन जाती है मोटी परत के रूप में जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्यूटिकल देखने को मिलता है एपिडर्मिस के बाहरी भाग में। अब क्यूटिकल का मोस्टली क्या काम होता है, क्यूटिकल क्या करती है बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है और ट्रांसपायरेशन को रोकने का काम करती है। लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे कि इस क्यूटिकल के थ्रू भी कुछ मात्रा में आपको ट्रांसपायरेशन देखने को मिल रहा है, और क्यूटिकल के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। ये क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन आपको मोस्टली कितना देखने को मिलेगा 10% यानी कि 10% जो ट्रांसपायरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है आपका क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन के द्वारा आप लोगों का होता है। फिर हम कह रहे हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब स्टोमेटल शब्द से आप लोग समझ रहे होंगे, आप देखते हैं कि जो आपकी प्लांट की लीव्स होती है उनकी एपिडर्मिस पर जगह जगह पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस पर आपने पढ़ा हुआ है कि छोटे छोटे छिद्र जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं और इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो स्टोमेटा के द्वारा होने वाला ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन मोस्टली कितना होता है आप लोग देखेंगे कि ये 90% जो ट्रांसपायरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है स्टोमेटा के द्वारा होता है, और 10% जो ट्रांसपायरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है क्यूटिकल के द्वारा होता है। तो समझ गए कि क्यूटिकल के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होगा उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल किसे कह रहे हैं एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटीन का डिपोजिशन हो गया तो क्यूटिकल बन गई, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन एपिडर्मिस पर ही छोटे छिद्र आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये जो फोलियर ट्रांसपायरेशन है जिसके दो टाइप आप लोग देख रहे हैं ये ट्रांसपायरेशन आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, एक तो आपको कहां देखने को मिलेगा हर्बेशियस स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा या आपको ये लीव्स
पत्तियों के अंदर ये जो ट्रांसपायरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है फोलियर ट्रांसपायरेशन के जो टाइप आप लोगों ने देखे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको वुड के अंदर या आपको फ्रूट्स के अंदर ये ट्रांसपायरेशन मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन से पहले आप लोगों को ये समझना है कि ये लेंटिकुलर का मतलब क्या है, ये लेंटिकल से होता है। और लेंटिकल्स क्या होती है तो आप लोग देखेंगे कि आपने पढ़ा भी होगा कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है द्वितीयक वृद्धि, तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर आप लोग देखते हैं कि सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाए जाते हैं जिसमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं तो प्लांट के जो इंटरनल पार्ट्स है जिसके अंदर आपका शामिल होता है वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ हम लोग देखें पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद में आप लोगों का कोर्टेक्स भाग है या इसके बाहर जाए तो एपिडर्मिस भाग है, इन सब पर क्या होता है एक दबाव लगता है और दबाव लगने के कारण से वहां पर भी डिवाइडेशन की कैपेसिटी आ जाती है या तो पेरिसाइकल के अंदर या एंडोडर्मिस के अंदर या कोर्टेक्स के अंदर। और वो डिवाइडेशन की कैपेसिटी आने से वहां पर भी आप लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो वहां पर भी जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वहां पर बनाया जाता है आपका पेरिडर्म। क्या बनाया जाता है? पेरिडर्म। ये पेरिडर्म किससे बना होता है तो आप लोग देखेंगे कि ये बना होता है फेलम प्लस फेलोजन प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब फेलम को तो हम लोग क्या कहते हैं, ये तो क्या है आपकी फेलम तो होती है कोर्ट और ये क्या है कोर्ट केंद्रियम। तो लेंटिकल्स भी यही होते हैं, आप लोगों को यहां से समझ में आएगा। आप लोग कह रहे हैं कि पेरिडर्म बनती है कोर्ट कोर्ट केंद्रियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के द्वारा। तो आप लोग देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर एपिडर्मिस जो है वो तो क्या हुआ सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनने के कारण से नष्ट हो जाएगी और एपिडर्मिस नष्ट हो गई तो इसका मतलब एपिडर्मिस पर ही क्या होते हैं आपके क्यूटिकल और स्ट्रोमेटा जो होते हैं वो पाए जाते हैं तो वो भी सारे नष्ट हो गए। अब जो गैस एक्सचेंज है वो कैसे हो तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि ये जो फेलोजन भाग है या कोर्क केम्बियम जो है ये क्या करता है लूजली अरेंज्ड पेरेंकाइमेटिक सेल्स बना देता है और इन लूजली अरेंज्ड पेरेंकाइमेटिक सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं लेंटिकल कहते हैं। और लेंटिकल के माध्यम से क्या होता है गैस एक्सचेंज जो है वो होती है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है इंटरसेल्युलर स्पेस जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं और ये लेंटिकल ही क्या करते हैं ट्रांसपायरेशन की क्रिया को भी कर देते हैं। तो ऐसे ट्रांसपायरेशन को हम लोग क्या कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्लियर है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन किसे कहेंगे? आप डायग्राम की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मोस्टली ये मान लीजिए आपकी एपिडर्मल सेल है और यहां से ब्रेक हो गई किसके कारण से आपने कहा सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से क्या हो रहा है प्लांट के अंदर जो बाहरी भाग है ऊपर दबाव पड़ रहा है तो एपिडर्मिस जो है वो नष्ट हो गई। अब यहां पर क्या बनाया जाएगा आप कह रहे हैं पेरिडर्म बनती है फेलम फेलोजन और आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो भाग बनेगा आप लोगों का बाहरी जो भाग होता है वो क्या है आपका फेलम पार्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है और फेलम के नीचे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहे हैं आप लोग देखेंगे फेलोजन भाग है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कॉर्क केम्बियम। ऊपर वाला तो कॉर्क और नीचे वाला क्या है कॉर्क केम्बियम। ये कॉर्क केम्बियम यहाँ पर क्या कर रही है पेरेंकाइमेटिक सेल्स बना रही है लूजली अरेंज्ड पेरेंकाइमेटिक सेल्स। ये क्या है जिनका इनका दूसरा नाम भी है जिनको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सेल्स। कंप्लीमेंट्री सेल का जो है वो भी फॉर्मेशन किया जाता है और नीचे की तरफ आप लोग फिर देखेंगे कि ये सारा का सारा भाग आप लोगों का क्या है
सेकेंडरी कॉर्टेक्स भाग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ये तो क्या हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये क्या हो गया कोर्ट कैम्बियम, ये क्या हो गया आपका कोर्ट भाग जो है वो देखने को मिलता है, ये भाग क्या है आपका एपिडर्मिस। और ये जो बना है इस चीज को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है लेंटिकल्स, लेंटिकल जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो लेंटिकल के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन हुआ उस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। आप लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांसपायरेशन होता है 0.121% आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर आप लोगों ने समझ लिया होगा ट्रांसपायरेशन हम किसे कह रहे हैं, ट्रांसपायरेशन जो है वो मोस्टली किस किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फोलियर ट्रांसपायरेशन है या लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर, इसके आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे आप लोगों को एक शब्द देखने को मिलेगा ट्रांसपायरेशन के अंदर ही, जिसे हम लोग क्या कहेंगे एंटी ट्रांसपायरेंस, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं प्रतिवाष्पोत्सर्जन। अब एंटी ट्रांसपायरेंट या प्रतिवाष्पोत्सर्जन आप लोग किसे कहेंगे, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर दें उन्हें हम क्या कहेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट या प्रति वाष्पोत्सर्जन। अब ये एंटी ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं आप लोग देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट हैं, पीएमए, क्या बोलेंगे इसको फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट, या दूसरा नाम ऑक्सी इथाइलीन या एबसिसिक एसिड सिलिकॉन ऑयल, और एक कंपोनेंट और देखने को मिलेगा सीओ। ये सारे के सारे क्या है एंटी ट्रांसपेरेंट, जो कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसको कम करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना उसकी तो जो भी है वो मोस्टली आपको पता है कि नेचर के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये क्या है एक प्रकार का नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है आप लोग देखेंगे कि ग्रीन हाउस के अंदर जो एंटी ट्रांसपेरेंट मोस्टली यूज किया जाता है वो कौन सा है आपका CO2 जो होती है वो मोस्टली यूज की जाती है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है एंटी ट्रांसपेरेंट किसे कहेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, CO2 क्या है नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट है, ग्रीन हाउस के अंदर इसका मोस्टली यूज किया जाता है। क्लियर है, फिर नेक्स्ट आगे आप लोग देखेंगे कि जो आपका ट्रांसपायरेशन होता है इसको हम लेबोरेटरी के अंदर मेजरमेंट करते हैं। तो ट्रांसपायरेशन को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे ऑटोमीटर। ट्रांसपायरेशन को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है ऑटोमीटर। और आपके लेबोरेटरी में मोस्टली दो प्रकार के ऑटोमीटर काम में लिए जाते हैं, कौन से आप लोग देखेंगे गैलोंस का ऑटोमीटर, या आप लोग देखेंगे फार्मर्स ऑटोमीटर। दो प्रकार के ऑटोमीटर जो है वो मोस्टली यूज किए जाते हैं। किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है आप लोगों को दिखाते हैं एक मिनट। ये इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या है आपका ऑटोमीटर, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को मेजर इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें ये कौन सा आपका गैलोन का वो आप लोगों